हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डीके पाठशाला में स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल देख लिया होगा, दोस्तों जो हमारा प्लान चल रहा है आपका आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 के लिए 40 डेज स्टडी प्लान, उसका दोस्तों ये आपका 31वां पार्ट है। यानी डेट 31 वे दिन आपको 31वें दिन आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं वो आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। और अगर दोस्तों आपने 4 दिन का पूरा प्लान हमारा अच्छे से फॉलो कर लिया तो 100% जो आपका एग्जाम निकल जाएगा। ठीक है, जो दोस्तों प्लान आपका 22 मार्च से स्टार्ट हुआ था और जो आपका 30 अप्रैल तक चलने वाला है। और इसके बाद दोस्तों जो भी आपको एग्जाम में के लिए टाइम मिलता है उसमें केवल आपको रिवीजन करना है, कुछ भी आपको नया नहीं पढ़ना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों पहले हम बात करते हैं रीजनिंग की। तो यहाँ पर दोस्तों जो आपका एनटीपीसी सीबीटी 1 के पेपर हुए थे उसमें जो रीजनिंग के क्वेश्चन आपके पूछे गए थे वो क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। और लगभग दोस्तों मान चलो आपको 2 घंटे में लगभग 100 क्वेश्चन कम से कम आपको सॉल्व करने हैं। 2 घंटे पढ़ना आपको रीजनिंग, ठीक है। और अगर दोस्तों कोई आपका सवाल हो तो नीचे कमेंट करके आप पूछ सकते हो। आगे बात करते हैं आपका मैथ की। तो दोस्तों यहाँ पर पढ़ना है आपको आयोचित यानी DI पढ़ना है और साथ में डंडारेख, दोनों आप दोस्तों आपके DI के टॉपिक हैं, ये आपको पढ़ने हैं। क्योंकि DI से दोस्तों आपके एग्जाम में 4 से 5 क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं एनटीपीसी CBT-2 में, ठीक है। ये लगभग आपका 2 घंटे पढ़ना दोनों चैप्टर यानी मिला के आपके। आगे बात करते हैं आपका करंट अफेयर। तो दोस्तों यहाँ पर करंट अफेयर पूरा तैयार कर चुके हो आप, आपको केवल रिविजन करना है करंट अफेयर में, कुछ भी आपको नया नहीं पढ़ना है। जो कि आपको 1 मार्च 2021 से लेकर 30 मार्च 2022 तक का करंट अफेयर आपको तैयार करना है। आगे बढ़ते हैं। फिर दोस्तों आपका था साइंस एंड टेक। यहाँ पर दोस्तों पढ़ना है आपको भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान, जो टॉपिक दोस्तों कल भी आपने यही टॉपिक पढ़ा था, आज भी आपको यही पढ़ना है। अगला फिर आपका जीव विज्ञान। तो दोस्तों यहाँ पर पढ़ना है आपको जीवधारियों का वर्गीकरण और साथ में कोशिका विज्ञान, ये दोनों टॉपिक आपको कम्प्लीट करने हैं। अगला दोस्तों आपका आता है विश्व भूगोल। तो दोस्तों यहाँ पर पढ़ना है आपको सौरमंडल। और दोस्तों जब हमने प्लान आपका स्टार्ट किया तब मैंने आपको बताया था कि आपको इतनी चीज़ पढ़ाई जाएगी जिससे कि आपका एग्जाम में सिलेक्शन हो जाए। तो दोस्तों विश्व भूगोल हमने आपका सारा कंप्लीट नहीं कराया है, जो भी आपका इंपॉर्टेंट है जहाँ से क्वेश्चन आपके बन सकते हैं वो आपको बताया गया है। क्योंकि दोस्तों बहुत सारे चैप्टर आपके ऐसे हैं जैसे आपका ज्वालामुखी हो गया, पर्वत, पठार, इनको दोस्तों अगर आप पढ़ने बैठे हो दोस्तों एग्जाम में 1 या 2 क्वेश्चन आपका मैक्सिमम पूछा जाएगा। और अगर दोस्तों पढ़ने बैठे हो तो कम से कम बहुत समय आपका इसमें बर्बाद होगा। तो इसलिए इससे अच्छा आप इसको ना पढ़े, किसी और टॉपिक पर अपना ध्यान ज़्यादा दें। क्योंकि सौरमंडल दोस्तों आपका आसान टॉपिक है, इससे आपका क्वेश्चन एग्जाम में एक बन सकता है, इसको आप पढ़ सकते हो, ठीक है। अगला आपका भारतीय अर्थव्यवस्था। तो एक बार दोस्तों फिर से आपको भारतीय वित्त व्यवस्था पढ़ना है भारतीय अर्थव्यवस्था में, ये टॉपिक, ठीक है। अगला आपका आधुनिक भारत। तो यहाँ पर दोस्तों पढ़ना है आपको भारत के महान शहीद, ये टॉपिक आपको पढ़ना, छोटा टॉपिक है, इसको आप पढ़ सकते हो लूसेंट GK से। तो दोस्तों ये आपका हो गया डेट 31 का प्लान, यानी 31 दिन आपको ये टॉपिक पढ़ने हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।